नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। इस साल 27 अप्रैल 2023 को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य पूजा पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी। सनातन परंपरा में गंगा नदी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन पूजा अर्चना करने से और दान पूर्ण करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है और जातक के हर पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं गंगा सप्तमी पर इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। इस साल 27 अप्रैल 2023 को गंगा सप्तमी के दिन 3 शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि और गुरु पुष्य योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा और अमृत सिद्धि योग सुबह 7:43 तक रहेगा। इसके साथ ही गुरु पुष्य योग सुबह 7 बजे से अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 5:43 तक रहेगा। अगर आप इस महापर्व पर गंगा तट पर जाकर स्नान, ध्यान और दान करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। इस दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाएं तो नदी के जल में प्रवेश करने से पहले चप्पल जूते जरूर उतारकर जल का स्पर्श करें। गंगा जी में स्नान करने के बाद वहां पर अपने कपड़े ना तो धोएं और ना ही निचोड़ें। साथ ही नहाते समय साबुन का इस्तेमाल ना करें। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।